रेलवे मंत्री नूं मिलण लई पंजाब सरकार ने संस्था दी लगाई ड्यूटी। एमपी अमर सिंह ने दिता बयान, कहा पंजाब नूं गोडे टिकाउणा चाहुंदी है केंद्र सरकार ते पंजाब ब्लैकआउट ते खतरे ते बोले कैप्टन संदीप संधू। केंद्र सरकार दे प्रदूषण विरुद्ध ऑर्डिनेंस खिलाफ गवर्नर कोल पहुंचे आम आदमी पार्टी दे नेता, एक्ट वापस लैण दी कीती मंग। सुखजिंदर रंधावा ने भाई लौंगोवाल ते चुके सवाल, कहा कौम नूं कर रहे बर्बाद। फिर तो किसानां दी प्रधानमंत्री नाल मीटिंग कराउण दा हंसराज हंस ने दिता बयान। नमस्कार, दैनिक सवेरा न्यूज़ रूम तो मैं रजिंदर कौर। पंजाब सरकार वालों अपने सांसदा दी ड्यूटी लगाई गई है कि वह रेलवे मंत्री दे नाल गलबात करके पंजाब विच आउण वालियां ट्रेनां नूं बहाल करन दी गल करन। इसे दे तहत अज एमपी अमर सिंह दिल्ली पुजे ते उन्होंने बयान दिता कि केंद्र सरकार जानबूझ के पंजाब दे नाल अजिहा वतीरा कर रही है तां कि किसान अपना अंदोलन छड्ड देण ते उन्हां अगे गोडे टेक देण। देखो, मैनू तो बहुत अफसोस है इस गल का कि रेल मिनिस्टर साहब इस तरह की चिट्ठी लिख रहे आ जिदे च सिर्फ तीन प्राइवेट अदारियां दा मैनशन कर रहे हैं, दो प्राइवेट पावर प्लांट और एक प्राइवेट साइलो। बहुत अफसोस की गल है कि अपनी चिट्ठी च उन्हें अपना फिक्र जाहिर किया कि तीन प्राइवेट अदारियां नूं लाइना ते लोग बैठे आ। मैं उन्हां तो पुछना चाहुंना कि क्या ये तीन जिहड़े प्राइवेट अदारे आ सारा पंजाब और सारे पंजाब दी इकोनमी क्या इन्हां तीन अदारियां ते डिपेंडेंट हैगी आ? वो दो प्राइवेट पावर प्लांट ने, एक साइलो आ। साइलुआं ते तां साडा कुछ डिपेंडेंस ही नहीं हैगा। तुसी सारा साडा कोला रोकता, सारी साडी खाद रोकती, सारी साडी इंडस्ट्री दे जिहड़े 15,000 कंटेनर पए ने, 10,000 तां एक्सपोर्ट दे आ, 5,000 इंपोर्ट दे पए आ, वो सारा कुछ तुसी साडा रोकता। अरे किसे स्टेट तो तुसी लिख के अज तक हिंदुस्तान च लिया? पिछले साल तुसी आ हरियाणा च जाट एजिटेशन होया सी, जगह 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 रेलां तोड़ियां गईयां, सारा कुछ होया। तुसी हरियाणा गवर्नमेंट तो लिख के लिया सी कि तुहाडियां ट्रेनां चालू करनियां ने, और पंजाब च सारी शांति रही। किसानां ने भी एक पत्थर तक नहीं मारिया किसी रेल ते जां रेल इंपलॉई ते। ये तो बात दा बतंगड़ बरा रही है केंद्र सरकार, जान बुझ के पंजाब नूं और पंजाब दे किसानां नूं दसना चाहुंदे आ कि तुसी जदों तक गोडे नहीं लाउंदे असीं तुहानूं रेलवे दी सर्विस तां घट्टो घट नहीं देणी। लुधियाणा विच इंदिरा गांधी दे श्रद्धांजलि समारोह ते पहुंचे लीडर कैप्टन संदीप संधू नूं जदों पंजाब विच होण वाले ब्लैकआउट उत्ते सवाल किया गया तो उसने कहा कि पंजाब सरकार इस मसले दा हल किसानां दे नाल गलबात करके कढ रही है। सब गल इस तरह है कि इस च कोई शक नहीं कि जिहड़े साडे थर्मल प्लांट्स चल रहे हैगे आ उहनां दे कोले दी जिहड़ी हालात है वह काफ़ी नाजुक हो चुकी हैं, स्थिति बड़ी गंभीर हो चुकी है। और जिहड़ा जिहड़ा वैसे भी जिहड़ा साडा व्यापारी जिहड़ा तबका हैगा उन्हां दा भी जिहड़ा समान हैगा जिहड़ा कि पंजाब तो बाहर जाना सी जां पंजाब च अंदर आउणा है उस नूं भी आउण च अज दे दिन दे विच भारी मुश्किल आ रही है। इन्हां चीज़ां नूं मुख रखदे होइआं जिहड़ियां किसान यूनियनज़ हैगियां उन्हां नाल लगातार संपर्क जारी है, उन्हां नाल मीटिंगां हो रही हैं और असीं उम्मीद करदे हैं कि ये हालात नूं देखते हुए जरूर कोई ना कोई वह भी एक अच्छी सोच एक अच्छी विचार रखेंगे। नाल नाल ये भी कहना चाहते हैं कि जिहड़ियां रेल गड्डियां दी आवाजाई है जिहड़े मेन ट्रैक्स है वह सारे दे सारे खुले है, मेन ट्रैक्स ते कोई नहीं बैठा। साडी ये भी बेनती है अज इस पवित्र दिहाड़े ते पास सरकार नूं कि जदों सारे मेन ट्रैक्स खुले है ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
देश की बीजेपी सरकार जिहड़ी आ पंजाब दे किसान नूं मारना चाहुंदी आ, पंजाब नूं तबाह करना चाहुंदी आ, पंजाब दी आर्थिकता नूं तबाह करना चाहुंदी आ। उन्हां दा इक हिडन एजेंडा गा कि पंजाब दे इलाके नूं खत्म कर दिओ, पंजाब दे इलाके नूं तबाह कर दिओ, क्योंकि मोदी साहब नूं जिहड़ा हैगा अडानी ते अवानी चला रहे ने, मोदी साहब जिहड़ा कारपोरेट घराणे चला रहे ने गे और पंजाब दे किसानां नूं शिकार बनाया जा रहा हैगा। ये जिहड़ा काला कानून आया गा जिहदे विच मैं समझदा कि बहुत बड़ा जुर्माना कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होजूगा, 5 साल की सज़ा होजूगी। मैं पूछना चाहुंदा मोदी साहब तो कि इस तो पहला तुसी हल की दिता गा, मैं पूछना चाहुंदा कैप्टन साहब तो तुसी की हल दिता पंजाब के लोगों, की तुसी पंजाब के लोगों मुआवजा देता, की तुसी पंजाब के किसानों जिहड़ी हैगी आ तुसी जिहड़ी कोई मशीनरी देती, की तुसी पंजाब के किसानों हैप्पी सीडर देते, की तुसी पंजाब के किसानों हुण तक किहड़ा कंपनसेशन दिता गा? ना मोदी साहब की सरकार ने दिता गा, ना कैप्टन साहब की सरकार ने दिता, बल्कि आ काला कानून होर थोपता। सो आम आदमी पार्टी की मंग आ कि काला कानून जिहड़ा खेती दे स्टबल बर्निंग नूं लैके आ, जिहड़ा पराली नूं लैके आ, तुरंत वापस होना चाहीदा। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने SGPC प्रधान भाई गोविंद सिंह लौंगोवाल नूं तनखाइया करार दिता। उन्होंने कहा कि लौंगोवाल का नाम काले अखरां विच लिखिया जाएगा क्योंकि वह कौम नूं बर्बाद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उन्हों का मैं धन्यवाद भी करना चाहिए कि कांग्रेसियों से ये तो आ गई गल कि कोई तो गुरु की गल करने वाला है, सानू तो मनते ही नहीं गए। सानू तो ये कहें कि जो बादल अकाली दल च नहीं है वो सिख ही नहीं, अज इन्हें असं खड़े हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जे सानू कि सिख कह दें वो कह के नहीं जी कांग्रेसी ने। मैं लौंगोवाल पूछना चाहना, पहले तो मैं साहब कहता सी जिन्हें मेरा क्या, मैं कहना चाहना कि सरदार साहब तुसी तो साध को सौदा साध को माफ़ी मंग के तो वोटा मंग के आए हो, तुसी तो तनखाइए जे तो तुसी मेरे नाल की करोगे गल? मैं तनखाइया तो नहीं, मैं तो उस पिंड जिन्हें श्रोमणी कमेटी हूं चलिया जिहदा प्रधान बन के बैठा मैं सरदार लक्ष्मण सिंह के पिंड दा, तो मैंने तो शर्म हैगी कि मेरा गुरु के नाल बेदबी हुई है, इन्हू शर्म नहीं जरा पा के बैठा। ये करके इन्हों चीज़ है कि जोड़े योजे होंगे ने जिन्हों ने कौम बर्बाद करने वाले पासे जोड़े कौम पिछे लैके जाना चाहते हैं उन्होंने यदा काले अखरों के लिखा जाएगा। ये लौंगोवाल नहीं बोलता, वो एक गाने में तू नहीं बोलती, तू नहीं बोलती, तेरे चो तेरा यार बोल, ये बादल परिवार बोलता। पंजाब विच किसानां दा अंदोलन लगातार जारी है जिसते एक बार फिर तो संसद मैंबर हंसराज हंस ने बयान दिंदे होए कहा कि वह किसानां दी गलबात प्रधानमंत्री ते केंद्र दे मंत्रियां दे नाल करवा सकदे ने। तुहानू दस दईए कि पहलां भी दैनिक सवेरा दे नाल खास गलबात दौरान हंसराज हंस ने एक गल आखी सी। पंजाबी बहुत समझदार है, उन्हां नूं ओह ना समझ कौम नहीं है, लेकिन सिर्फ इन्ना है कि गैप है, कम्यूनीकेशन गैप इन्हू कह सकते हैं। जी हुण भी कोई कृषि मंत्री साहब नू मिलना चाहे जां श्री जगत प्रकाश नड्डा साहब साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ उन्हां नू मिलना चाहुण ते मैनू लगता कि मैं सब तो घट पावरफुल आदमी ला लो सिंपल सादा MP हाँ, मैं ये काम कर सकदा, मतलब बिल्कुल कर सकदा, मैं कॉन्फिडेंस नाल कह रहा। तोमर साहब भी गल करनगे और ये अज नहीं मैं कह रहा, कई बार तंडर प्रैशर हुंदा जदों शुरू ही होया सी, मैं जलंधर जा के कहा सी, लेकिन जदों तुसी गाली गलोच करदे आ उदों कोई इत्थे कोई मुगलां दा राज तो है नहीं गा, आपां ही प्रधानमंत्री बनाउने, आपां ही मुख्यमंत्री बनाउने आ। जदों कह रहे हैं कि साडे दरवाजे खुले आ ते मिल लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। अज भगवान वाल्मीकि जी दे प्रगट दिवस मौके पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब वासियां नूं वधाई दित्ती ते दलित विद्यार्थियों लई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ते राम मंदिर तीर्थ अमृतसर दे विच ITI दा उद्घाटन किया। इस दे नाल ही बटाला विच कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने SC बच्चियां दे वजीफा स्कीम की शुरुआत की। दूजे पासे जलंधर दे विच OP सोनी ने SC विद्यार्थियों नूं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे के भगवान वाल्मीकि जी दा प्रगट दिवस मनाया। भगवान वाल्मीकि जी ने जन्म दिन इकत्र होए सारे ही अज पूरे पंजाब दे विच और संत समाज अज मैं बहुत बहुत बधाई दिना। ये अज जिहड़ा प्रोग्राम रामपीर को चल रहे हैं ये सारे पंजाब दे विच दिखाया जा रहा है, सारे पता है कि किस तरीके नाल ये प्रोग्राम अज चंडी जी ने वेंका जी सारे ने यह प्रबंध किया।
अज चन्नी जी ने बहुत कुछ दस दिता कि जो सरकार करन लगी है अपने जेड़े गरीब जनता है उन्होंने वास्ते। पहली तो गल डॉक्टर बी आर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप असी आरंभ की है, इसलिए की है कि जी सेंटर तो स्कॉलरशिप मिलती सी गरीबों वास्ते इन्हें बता दी सी, और मैं समझना सी एक गलत बात है। और जे गरीब घर के ऐसी स्टूडेंट्स ने उन्होंने एक कुछ ना कुछ सानू अपने वालों सानू करना पौ, और इस करके असी एक स्कॉलरशिप स्कीम डॉक्टर बी आर अंबेडकर, तुसीं सारे जानते हो डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप असी रखी है। बगैर कोई हेल्प सेंटर ने सानू कोई मदद नहीं की, अपने तौर पर पंजाब गवर्नमेंट करेगी। ये सानू 550 करोड़ रुपया ये लग जाएगा, 100% फी वेवर है इन्हें, तो कोई पेमेंट नहीं करनी पेगी ऐसी स्टूडेंट्स को। कॉलेज डायरैक्ट जब एक बार कॉलेज के जाएंगे वो कॉलेज अपने तौर पर सरकार तो पैसा इन्हें लेंगे। फिर असी मंथली स्टाइपेंड रखे हैं बच्चों वास्ते ताकि किताबा कपड़े यूनिफॉर्म जो भी है वो खरीद सकन। तो असी समझते हैं कि 3 लाख तो उपर ऐसी स्टूडेंट्स नूं ए दा फायदा होना है पूरे साल के। और ये सिर्फ सरकारी कॉलेज नहीं, प्राइवेट कॉलेज का भी लागू है। अज मैं समझना बड़ी खुशी वाली गल है, अज सब तो पहले तो भगवान वाल्मीकि जी का प्रगट दिहाड़ा जोड़ा है वो सारिया संगत वालों सारे पंजाब वासियों वालों सारे देशवासियों वालों मनाया जा रहा। सब तो पहले अज के शुभ दिन से मुबारकबाद दिना है। सो अज जोड़ा ये फंक्शन सी बड़ी साड़ी पवित्र धरती पंजाब की अमृतसर की राम तीर्थ जी की पवित्र धरती जिथे भगवान वाल्मीकि जी का पवित्र आश्रम जिथे उन्हें पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना की थी। सो उस पवित्र धरती से अज उन्होंने प्रगट दिन से स्टेट लैवल का फंक्शन जोड़ा किया गया है। सो अज सीएम साहब साढ़े मानयोग सीएम साहब ने जिहड़ियां स्कीमां अज लॉन्च कीतियां ने उहदे च सब तो वड्डी जिहड़ी गल आ खुशी दी ऐसी बच्चों वास्ते जिहड़ी स्कॉलरशिप मिलती सीगी सेंट्रल गौरमेंट वालों उन्होंने तुहानूं पता पिछे बंद करती थी। हुण सीएम साहब ने बड़ा वड्डा ये फैसला लिया है कि पंजाब सरकार इहदा बच्चों नूं जिहड़े ऐसी बच्चे ने उन्हां नूं स्कॉलरशिप देगी। जिहड़ा ऐसी वजीफा सी सेंटर गवर्नमेंट ने बंद कर दिता, पर साढ़े वित्तीय हालात माड़े होने के बावजूद कैप्टन साहब ने ये फिर शुरू करता, वजीफा देना शुरू किया वा। सो कैप्टन साहब का मैं भी शुक्रिया करना, उन्होंने गरीब बच्चों की पढ़ाई लिए एक उपराला किया। कपूरथला जेल विच अज दो पुलिस मुलाजमान वल्लों अपने ही उच्च अधिकारी दे नाल बदसलूकी करन दा मामला सामने आया। रूटीन चैकअप दौरान जदों इन्हां ने बहस कीती तां डीएसपी वल्लों इन्हां नूं रोकण दी कोशिश कीती गई, तां इन्हां वल्लों डीएसपी दे नाल ही हथोपाई करनी शुरू कर दित्ती गई, जिस तों बाद एसपी वल्लों इन्हां नूं उसे वेले ही सस्पेंड कर दित्ता गया। कपूरथला जेल एक बार फिर तो सुर्खियां दे विच आई है। जिक्रयोग है कि जदों ड्यूटी ते जाण वाले दो पुलिस मुलाजमान नूं गेट ते तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने रूटीन चैकअप लई रोकिया, कोतवाली खिलाफ मामला दर्ज करने दे आदेश भी दिते ने। जी सर, सर जिहड़े जेल दे विच दो पुलिस मुलाजम सस्पेंड कीते आ उहदे बारे की कहना चाहुंगे? श्री बलजीत सिंह घुमाणा सुपरिंटेंडेंट केंद्रीय जेल कपूरथला ने एक पत्र मिति 28/10/20 नूं थाने भेजिया सीगा, जिस च उन्होंने लिखिया सी कि मिति 28/10/20 नूं दुपहर 12 बजे गार्द जिहड़ी आ उह चैक करन लई अंदर गई सी,
ड्यूटी में उन्हों के सी आर पी एफ के जवान जो चैकिंग कर रहे थे। इस चैकिंग दौरान दो कर्मचारियों ने चैकिंग कराने से इनकार किया, जिसते श्री विजयपाल सिंह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने इन कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की, पर यह दोनों कर्मचारी तहस में आ गए तो डिप्टी साहब गाली गलोज कर लग पे, उन्होंने डंडे मारन लग पे तो उन्होंने सरकारी ड्यूटी में विघन पाया, जिसते इन दोनों कर्मचारियों खिलाफ मुकदमा नंबर 288 मिति 28/10/20 अंडर सैन 353/186/500/34 IPC थाना कतवाली कपूरथला दर्ज रजिस्टर किया गया वा, जिस इन दोनों मुलाजमान गिरफ्तार किया गया वा तो इन कर्मचारियों के DNA टैसट कराए गए, डॉप टैसट कराए गए तो इन्हों अदालत में पेश किया गया सी, जिथे इन्हों का एक दिन का पुलिस रिमांड मिलिया सी, अज फिर दोबारा इन्हों अदालत में पेश किया वा, जिथे जज साहब ने इन्हों का जुडिशल रिमांड 14 दिन का मंजूर फरमाया वा, तो इन्हों की करोना टैसट रिपोर्ट कराई जा रही है, करोना रिपोर्ट मसूल होने पर इन्हों मॉडर्न जेल जमा कराया जाएगा। ये दोनों कर्मचारी जेड़े आ सुखविंदर सिंह ये पिंड गुरमा थाना फूलेवाल जिला बरनाले का रहने वाला वा, तो जिला जसवीर सिंह पिंड माती के जिला फिरोजपुर का रहने वाला। ये सन हुण तक दीआं खास खबरां, वधेरे जानकारी लिए जुड़े रहो दैनिक सवेरा TV दे नाल। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।